अब क्या बोलोगे? राधे राधे। देखो अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं ये स्थान का एक नाम राधा बन गई। क्या बने? ये राधा बने हैं क्योंकि कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव कांति और उनकी भाव और अंग कांति लेकर इस जगत में आए हैं, इसलिए इसका एक नाम श्री राधा बनी है। इसलिए जैसे वृंदावन में जाओ किसी को कृष्ण कृष्ण किसी को भी बोलते हुए नहीं मिलेगा, वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से, इसलिए वृंदावन में श्री ईश्वर जी की राधा जी का नाम लेते हैं। क्यों? वृंदावन में कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? वहाँ सब राधा 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 क्यों नाम कहते हैं? कारण है और वृंदावन का नाम भी राधा बने हैं और वृंदावन के अधीश्वरी श्री राधा रानी, वहाँ का अधीश्वरी श्रीमती राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जब तक राधा जी की कृपा नहीं होना तक ब्रजवास जीव का नहीं हो सकता है। जिसको परमेश्वर किशोर जी की कृपा हो वही व्यक्ति ही ब्रजधाम में वास कर सकते हैं और जिसको ऊपर में राधा जी की कृपा होना केवल वही व्यक्ति ही ये नवद्वीप धाम में आ सकते हैं। आपके पास में पैसा था इसलिए पैसा आपको ये नवद्वीप धाम में ले आया, क्योंकि भैया पैसा ये नवद्वीप धाम में नहीं ला सकते। आप लोग तो साधारण लोग हैं, जगत में अरब खरब पति बने हुए करोड़ अरब खरब पति बने हुए लेकिन वो नहीं आ पाए, लेकिन साधारण से साधारण लोग यहाँ पर आ गए। क्यों आ गए? कारण क्या है? इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती बोले अति हरि कृपा भगवत धाम में नवद्वीप धाम में कृष्ण धाम में ये कौन आ सकते हैं? ये सभी नहीं आ सकते हैं, यहाँ सभी नहीं आ सकते हैं। जिसको ऊपर में ठाकुर जी की दो तरह का कृपा है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दो तरह का कृपा है। यदि जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा, इनडायरेक्ट नहीं घुमा फिरा के नहीं, जिसको ऊपर में राधा रानी की डायरेक्ट कृपा हो जाए, महाप्रभु की डायरेक्ट कृपा हो, शंकर जी कहते पार्वती पाव देही या संगत सोई, तभी कोई ये धाम में आ सकते हैं, नहीं तो ये धाम में कोई आ ही नहीं सकते। उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो रही है, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो रही है, बताओ वो फंक्शन में कौन आएगा?
आप जिसको निमंत्रण दोगे वही आएगा। अगर तुम्हारी घर को पास में कोई 9 इंच दीवार को पास में कोई है को बुलाया नहीं लेकिन वो नहीं आएगा। अगर कोई 1000 किलोमीटर दूर में 10000 किलोमीटर दूर में जैसे यहाँ पर कुछ रसिया के भक्त लोग आए, यहाँ पर कुछ रसिया की रूस की यदि यहाँ रसिया के कुछ भक्त लोग आए, लंदन से आए, अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, ब्राजील से आए और अरे फ्रांस यू योर कंट्री जर्मनी, देखो ये लोग इतने जानते, ये लोग 10000 किलोमीटर दूर से आए, कितना किलोमीटर 10000 किलोमीटर, कोई 20000 किलोमीटर से, प्रभु कितना किलोमीटर से आए हो 17000 किलोमीटर से, हमारे श्री कहते हमारे श्री प्रकाश प्रभु जी आए ये कितना दूर से। लेकिन आप देखे ना ये रहता होगा नवद्वीप को आस पास में कोई होता होगा वो नहीं आई नवद्वीप परिक्रमा में नहीं आ पाए, बोले क्यों, बोले उनको श्री महाप्रभु ने उनको बुलाया नहीं, राधा रानी ने उनको नहीं बुलाया, इसलिए वो पास में रहते हुए भी नहीं आए हैं। लेकिन जो इतने दूर से रहते हैं भी आए क्यों, चूंकि ठाकुर जी उनको फोन किया है, बोले प्रकाश प्रभु जी आ जाओ यहाँ, इसलिए ठाकुर जी उनको कल किया है, ठाकुर जी उनको बुलाया आ जाओ परिक्रमा में। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती रुपया पैसा से ये धाम में कोई नहीं आ सकते है। हम कथा सुन रहे थे ये शंकर जी ये पार्वती को ये बात स्वयं कह रहे थे, बोले पार्वती धाम है आपको पता है पृथ्वी में कितने धाम है, बोले 6 अरब, कितने 6 अरब, आपको पता है 6 अरब कितना होता है, 1 अरब होता है 100 करोड़ में 1 अरब, और 6 अरब मतलब 600 करोड़ तिरथ है, ये विश्व ब्रह्मांड में 600 करोड़ अरब तीर्थ है, इतना तीर्थ यहाँ पर पृथ्वी में। शंकर जी कहते पार्वती ये जितने सारे तीर्थ में अगर कोई 1000000 बार कोई परिक्रमा कर ले, 1000000 बार कोई परिक्रमा कर ले उससे जो फल मिलेगा, एक बार अगर श्री नवद्वीप धाम में हैं, एक बार श्री नवद्वीप धाम में कोई आकर के एक बार कोई परिक्रमा कर ले, शंकर जी कहते पार्वती उससे करोड़ गुण ज्यादा उसको फल मिलेगा केवल श्री नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने का। हरि बोल। ये शंकर जी फिर कहते हैं, शंकर जी कहते पार्वती शायद ये बात किसको